सो हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट एप्लीकेशन के फ़ोटो को आप कैसे जो है अपने गैलरी में सेव कर सकते हो जी हाँ दोस्तों जब भी आप अपने स्नैपचैट के फोटो को गैलरी में सेव करना चाहते हो तो आप सेव नहीं कर पाते हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट के फ़ोटो को आप किस तरह से गैलरी में सेव कर सकते हो तो बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन को मैं प्रेस कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना चलते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है चाहिए एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस फोटो को क्लिक कर लेता हूँ जैसे कि मैंने अपना फोटो को क्लिक कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर डू नॉट अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड जब भी, भी आप यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सेव हो जाता है लेकिन आप जब यहाँ से बैक आते हो एंड बैक आने के बाद आप क्या करते हो अपने गैलरी को ओपन करते हो एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हो तो आपका पिक्चर जो यहाँ पर नहीं आता है कोई भी फोल्डर में नहीं आता है और उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद फिर से आप यहाँ पर जाते हो और बोलते हो यार मेरा फोटो आकर क्या हुआ है जो यहाँ पर अभी तक नहीं आया तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो काट मतलब क्रॉस का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको काटना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको एक जगह क्लिक करना है वो मैं आप लोगों का अभी बताने वाला हूँ उसके बाद जो यहाँ पर फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइड में जैसे कि यह तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं वो देख के दिखा रहा हूँ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आपने जो भी फोटो क्लिक कि किए हो तो वो फोटो जो यहाँ पर सारा आ जाएगा तो आपको क्या करना है जिसको आपको डाउनलोड करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो थ्री लाइन दिखाई दे रहे थ्री डॉट उसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा फोटो का आपका खींचिए थे कितने टाइम में खिंचे तो आ जाएगा उसके बाद जो है डिलीट स्नैपचैट फोटो का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद हाइड उसका രബ of... फेवरेट उसके बाद एडिट स्नैपचेट उसके बाद रिमिक्स उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक्सपोर्ट और सेंड स्नैपचेट फोटो तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबसे लास्ट एक्सपोर्ट उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप इंस्टाग्राम मैसेंजर ट्विटर मैसेंजर जैसा आएगा तो आपको थोड़ा सा साइड कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको जो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आएगा योर स्नैपचेट वॉज एक्सपोर्टेड तो आपको क्या से बैक चले एंड बैक आने के बाद आपको गैलरी को ओपन करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पिक्चर यहाँ पर आ चुका है तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा ज़्यादा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ करें। तो में चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद वंदे मात